हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेवन एट सिक्स इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के थर्टी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स मनी एंड बैंकिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की सर इस पर आप एक वीडियो बना दीजिए और उन्होंने टेलीग्राम पे भी बहुत सारी मैसेज की तो स्टूडेंट्स के डिमांड के मुताबिक यहाँ पर वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं तो इस वीडियो में हम थर्टी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है वट इज़ द डिफेक्ट ऑफ द बार्टर सिस्टम आपके पास चार ऑप्शन है यहाँ पर देखना है राइट right आंसर क्या है ऑप्शन नंबर वन लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स ऑप्शन बी डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज ऑप्शन सी डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सो स्टूडेंट्स हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फोइंग इज द क्रेडिटिट मनी इनमें से क्रेडिट मनी कौन है तो हमें यहां पर देखना है पहला ऑप्शन जो यहाँ पर है ऑप्शन ए चेक एंड ड्राफ्ट ऑप्शन बी प्रोमिजरी नोट ऑप्शन सी एक्सचेंज नोट ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज काफी इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज हैं थर्टी एम सी क्यूज बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है ये इनको अच्छी तरह से आप याद रखिएगा इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री विच द नियर मनी इनमें से नियर मनी कौन है ऑप्शन ए बॉन्ड्स ऑप्शन बी इंश्योरेंस पॉलिसी ऑप्शन सी सिक्योरिटीज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्यूचर ऑफ मनी इन में से मोनी का क्या फ्यूचर है कौन कौन सा है जो मोनी का फ्यूचर है तो पहला ऑप्शन जो यहां पर है ऑप्शन ए जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑप्शन बी होमोजीनियस यूनिट ऑप्शन सी लिक्विड एसिड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज तो इसका भी जो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज राइट आंसर यहां पर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में ऑप्शन ए रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो ऑप्शन बी इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो ऑप्शन सी सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट ऑप्शन डी इंक्रीज बैंक रेट तो आपके मुताबिक इसका राइट आंसर जो है आप वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए इससे पहले कि मैं बताऊँ तो अब मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन

एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑप्शन बी क्रेडिट क्रिएशन ऑप्शन सी एजेंसी फंक्शन ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज देंट्रल बैंक कैन इनक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाई ऑप्शन ए रेजिंग रिपो रेट ऑप्शन बी रेजिंग रिवर्स रिपोर्ट ऑप्शन सी बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑप्शन डी सेलिंग गवरमेंट सिक्योरिटीज़ क्वेश्चन नंबर एट का जो यहां पर राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन डी सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जी हां ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गिविंग परमिशन टू विदड्रॉ मनी बाय एन अमाउंट मोर देन डिपॉजिटेड इज टू इज नोन एज हियर द राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो बनेगा ऑप्शन बी ओवर ड्राफ्ट क्वेश्चन नंबर व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया ऑप्शन ए एम वन ऑप्शन बी एम टू ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन अलेवन हु सर्कुलेट्स ऑल मिंट एंड वन रुपी नोट इन इंडिया ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑप्शन बी आर बी आई ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका राइट आंसर यहां पर बनेगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेरो मनी सप्लाई ऑप्शन ए एम टू ऑप्शन बी एम थ्री ऑप्शन सी एम वन ऑप्शन डी एम फोर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी जी हाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज एम वन नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वॉज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए नाइनटीन फोर्टी सेवन ऑप्शन बी नाइनटीन फोर्टी एट ऑप्शन सी नाइनटीन फिफ्टी वन ऑप्शन डी नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन तो इसका राइट right आंसर जो यहां पर है वो है ऑप्शन डी नाइनटीन हंड्रेड एंड क्वेश्चन नंबर मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ द मनी सप्लाई एम फोर एम थ्री एम टू एम वन क्वेश्चन का जो यहां पर राइट right आंसर है वो बनेगा ऑप्शन डी एम वन एम वन इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ द मनी सप्लाई नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई पावर्ड मनी इंक्लूडेस ऑप्शन बी जो है यहां पर इसका राइट right आंसर बनेगा Now, the next question, question number 16 Indian monetary system is based on option A, paper standard, option B, metallic standard, option C, gold standard, option D, credit money. Here the right answer is option A, paper standard. Paper standard is the right answer for this question. Now the next question, which is very interesting, that is which of the following is the Apex Bank of India? In my Apex Bank of India Kone. Apex in the sense. जो टॉप होता है टॉप बैंक सबसे बड़ा ऑप्शन ए आर बी आई ऑप्शन बी एस बी आई ऑप्शन सी एस बी पी ऑप्शन डी बी एन पी तो इसका राइट right आंसर जो है ऑप्शन ए आर बी आई आर बी आई स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज द राइट ऑफ नोट इशू इनमें से कौन सा बैंक है जो जिसको राइट right है कि वो नोट्स इशू कर सकें नोट्स इन देंस कि पैसे को इशू कर सकें ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑप्शन बी कमर्शियल बैंक ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑप्शन डी कोऑपरेटिव बैंक जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताइए तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज द राइट ऑफ नोट इशू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक इनमें से सेंट्रल बैंक की कौन सी फंक्शन है ऑप्शन ए इशू ऑफ नोट्स ऑप्शन बी बैंकर ऑफ द गवर्मेंट एंड बैंक ऑप्शन सी सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ मनी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द रेशियो ऑफ टोटल डिपोजिट दैट ए कमर्शियल बैंक हैज कीप विज कॉल्ड स्टेचुटेरी लिक्विडिटी रेशियो ऑप्शन ए ऑप्शन बी डिपॉजिट रेशियो ऑप्शन सी कैश रिजर्व रेशियो ऑप्शन डी लीगल रिजर्व रेशियो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर दैट इज स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो आई एम सॉरी गाइज मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का गलत आंसर बताया है इसका ऑप्शन सी आएगा कैश रिजर्व रेशियो आई एम सॉरी मैंने आपको बताया था स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो ये इसका नहीं आएगा इसका आएगा ऑप्शन सी कैश रिजर्व रेशियो आई एम सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड ऑप्शन ए सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्सड डिपॉजिट्स ऑप्शन बी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स ऑप्शन सी जो है पर है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड अकाउंट फिक्सड डिपॉजिट्स ऑप्शन डी तो इसका राइट आंसर जो है वो बनेगा ऑप्शन बी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द नेसरी कंडीशन ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑप्शन ए लिमिटेड नीड्स ऑप्शन सी ऑप्शन बी लिमिटेड एक्सचेंज एरिया ऑप्शन सी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी डी ऑल ऑफ याबो तो इसका राइट right आंसर जो यहाँ पर है वो बनेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो जी हाँ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वट आर द एडवेंटेज ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑप्शन ए सिंपल सिस्टम ऑप्शन बी मोर म्यूचुअल कॉपरेशन। ऑप्शन सी नो इकोनॉमिक डिसपार्टीज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो तो इसका राइट right आंसर जो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो बनेगा तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच वन इज द डिफिकल्टी ऑफ द वार्टर सिस्टम ऑप्शन ए लैक ऑफ डबल को इंसीडेंस ऑप्शन बी डिफिकल्टी ऑफ डिविजन ऑफ द गुड्स ऑप्शन सी लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यूज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो ऑल द एबो ऑप्शन डी जो है इसका राइट right आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का यहाँ पर तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन तो इनमें से जो है मनी इवोल्यूशन का करेक्ट ऑर्डर क्या है ऑप्शन ए आपके पास है कॉम्युडिटी मनी पेपर मनी मेटल मनी ऑप्शन बी कम्युडिटी मनी मेटल मनी पेपर मनी क्रेडिट मनी ऑप्शन सी क्रेडिट मनी मेटल मनी पेपर मनी ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कम्युडिटी मनी मेटल मनी पेपर मनी एंड क्रेडिट मनी तो ऑप्शन बी जो है यहां पर राइट आंसर बनेगा द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज़ नंबर सिक्स मनी इज वट मनी डज हु सेड दिस ये किसने कहा है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर ऑप्शन एस का राइट आंसर बनेगा यहां पर दैट इज हार्टली विदर्स तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवन विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इनमें से प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में कौन सा आता है ऑप्शन ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन बी मेजर ऑफ वैल्यू ऑप्शन सी बोथ एंड बी ऑप्शन डी स्टोर ऑफ वैल्यू तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा दैट इज बोथ एंड बी तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट जो है विच वन इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी ऑप्शन ए टू मेक डिफोर्ड पेमेंट्स ऑप्शन बी स्टोर ऑफ वैल्यूज ऑप्शन सी ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन मनी इज अ पाईवोट अराउंड व्हिच द होल इकोनोमी कल्चर्स इट ये किसने कहा था ऑप्शन सी में जो आपको यहां देखने को मिल रहा है दैट इज मार्शल ने ये कहा था अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्टी जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे विद जस्ट अ सेकेंड मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ पर हाँ तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी जो यहाँ पर है द फंक्शन ऑफ मनी इज़ इनमें से मनी की फंक्शन क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेजर ऑफ वैल्यू स्टोर ऑफ वैल्यू तो इसका राइट right आंसर जो यहाँ पर वो ऑप्शन डी बनेगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो so, थैंक यू